बताओ विक्ट्री का, पूरी महिला है फोटो उतार बेटा। अच्छा सर अभी आओ ना, ठीक है सर, ठीक है बहन जी। दो नारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की। आज नहीं निकल रही है। ममता दीदी का निवास कहाँ है? काली घाट पे है ना, वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है। कृष्णा नगर उत्तर प्रत्याशी उम्मीदवार श्री मुकुल राय जी एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं अपने युग में भी, आज के इस वर्तमान युग में बहुत बड़े नेताओं में माना जाता है, और इस विधानसभा क्षेत्र से वो आपके प्रत्याशी है। 22 तारीख के दिन आपके विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी को सुबह सब काम धंधे छोड़कर अपने अपने बूथों में जाएं, आस पड़ोस अपने यार दोस्त रिश्तेदार जितने भी पश्चिम बंगाल में हैं उनको फ़ोन पे मैसेज से, सबको स्मार्टफोन है सबके पास, मैसेज लगाए, व्हाट्सएप मैसेज लगाए और उनको बोले कि 17 तारीख से 29 तारीख तक जो चुनाव होंगे उसमें आपको कमल के फूल के बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी का अपना अमूल्य वोट देना है। क्योंकि जैसे हमारे पटेल जी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी को आप जानते हैं नहीं जानते नहीं पता, कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले 6 वर्षों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं के प्रयासों से आज भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक आके खड़ी है। उन्होंने यह पटेल जी को मुझे बुलाकर यह जिम्मेदारी दी कि मैं भी हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता हूं और आप ही की समाज से आता हूं, दलित वर्ग से हूं, पटेल जी भी दलित वर्ग से हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी दी कि जितने भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दलित वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदी भाषा भाषी या अन्य भाषा के लोग, जैसे बंगाली भी बोलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हिंदी भाषा भाषी के लोग दलित वर्ग में, बहुत सी जातियाँ हैं, उन बहुत सी जातियों में विशेषकर उत्तर भारत से हमारे पूर्वज यहाँ आके बस गए, तब से लेकर हम यहाँ के निवासी बने हुए हैं, लेकिन TMC ममता सरकार हमको यहाँ का नहीं मानती, हमको हिंदुस्तानी कहती, TMC के लोग यही कहते हैं ना, तो हम TMC नहीं है, हम प्योर यहाँ के हिंदुस्तानी निवासी है। पश्चिम बंगाल भी भारत का भिन्न अंग है। 22 तारीख के दिन आपको, अभी तक 70-75 वर्ष मनाने जा रहे हैं देश का आज़ादी का दिन, लेकिन 22 तारीख के दिन जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, अगर आपको 75 वर्ष तो देश मना रहा है, अगर आपको सही में आज़ादी चाहिए तो आपको 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, और 2 मई दीदी गई के नारे के साथ आपको मुक्ति लेना है दीदी से। दीदी जी भी आप ही के वोटों से जीती है, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने संविधान पद पे बिठाए, संवैधानिक पद पे वो बैठी है, 2 बार वो मुख्यमंत्री रही है, लेकिन हमको जैसे सफाई कर्मचारियाँ 3,000 रुपये में काम कर रहे हैं, कहीं 4,000 कहीं 3,000, उनको उनके परिवार अगर कोई बीमार हो जाता है, उनके परिवार को हेल्थ कार्ड नहीं है, मिनिमम वेजेस एक कानून है न्यूनतम वेतन का, वो कानून भी आपके ऊपर लागू नहीं होता। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको लगभग 12 से 15 हज़ार वेतन मिलना चाहिए सफाई कर्मियों को, लेकिन 12-13 हज़ार तो दूर, 5,000 भी आपको वेतन नहीं मिल रहा है। जैसे कि पटेल जी ने कहा, जो हमारी ये छोटी लड़की बैठी है, नर्सरी क्लास से KG से PG तक का शिक्षा का उचित खर्चा यहाँ की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है आपके आशीर्वाद से, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन से बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा KG से PG तक, कितने भी बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भोजन की व्यवस्था रहेगी वहाँ पे, और महिलाओं को यहाँ उज्ज्वल योजना का शायद आप लोगों को किसी को ग्यास नहीं मिली होगी, उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री देश के
एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीबों के हमारे बीच के व्यक्ति है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को देश में 9 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस मिले हैं, लेकिन आप लोगों को बंगाल में यहाँ आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की टीएमसी सरकार चाहती नहीं है आप जैसे गरीब महिलाओं का उत्थान। आयुष्मान भारत योजना एक स्कीम है, जैसे कि हमारे गरीब परिवारों में कोई बीमार हो जाता है, उसका 5 लाख रुपए का खर्चा उस बीमार व्यक्ति का केंद्र सरकार खर्चा उठाती है, वो भी ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसी बहुत सी योजनाएं, अगर मैं वो योजनाएं गिनाते बैठूं आपको तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसे कि आप रिटायरमेंट हो गए, जैसे झोपड़ियों में ये बना के रह रहे हैं, आप लोगों को जिनके कच्चे मकान हैं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है, 3 वर्षों के भीतर सभी के छत, सर पे छत होगी, पक्का मकान होगा, ये उनका सपना है। देश भर के सभी गरीबों के जो तिरपाल डाल के रह रहे हैं, और यहाँ भी जितनी भी केंद्र की सरकार हैं, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में भाजपा सरकार, ये दोनों बीजेपी सरकारें मिलकर आपका उत्थान करने आएगी, आपके घर पे आके आपकी सेवा करेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप 22 तारीख के दिन अपना अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकुल राय जी को देकर आप अधिक से अधिक मेजॉरिटी से जिताइए और उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाइए, ताकि आपके इस उत्तर कृष्णा नगर को डेवलपमेंट करने में वो अपना योगदान दे सके। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख के दिन सभी परिवार एक त्यौहार के जैसा, आप सुबह 7 बजे से 6 बजे तक चुनाव होता है, कोई भी टीएमसी का गुंडा कोई भी कुछ कहेगा, किसी की मत सुनो, किसी के डर दबाव में मत रहो, सरकार आपके साथ रहेगी, प्रदेश सरकार बीजेपी की। आप चुपचाप अपना जाओ बूथ में, बटन दबाओ, बीजेपी को विजयी बनाने में और इस सोनार बंगला बनाने में तोलाबाज कटमनी सिंडिकेट की ये गुंडों की सरकार को उखाड़ फेंकने में आप अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने के लिए भेजा है कि दलित वर्ग के लिए जाओ और उनसे अपनी पीड़ा समझो, उनकी पीड़ा का कैसे हल निकालना है मुझे आकर बताना, क्योंकि आने वाले 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। क्यों ना उस महायज्ञ में हम भी एक अपना अमूल वोट देकर हम उसके सहभागी बने, बनना चाहिए ना, क्योंकि दलित 17 तारीख में यहाँ पर सबसे ज़्यादा शोषित है, पीड़ित है, तो हम चाहते हैं कि उनकी जो समस्याओं का निराकरण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर आवासों का निपटान करने के लिए कटिबद्ध है कि 2 साल के अंदर हर वर्ग के लोगों को मकान, पक्का मकान मिले, जिससे हमारे लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यहाँ पर 33% महिलाओं का आरक्षण दिया जाने का प्रावधान निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए पीजी, पहली से लेकर तो पीजी तक की फ्री ऑफ कास्ट पड़ी ही होगी। यहाँ महिलाओं के लिए ट्रेन का, बस का, अन्य मेट्रो ट्रेनों का फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में घूमने के लिए आप लोगों को आने जाने के लिए फ्री रहेगा महिलाओं को विशेष। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ लेने जा रही है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, उससे सरकार बनेगी तो आप लोगों के जीवन उद्धार अच्छा होगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।